हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में दो पर्टिकुलर शेयर्स के रिजल्ट आए हैं, उससे रिलेटेड बातें करेंगे और आने वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा क्योंकि उनमें भी मैं अलग अलग कंपनीज़ का जो रिज़ल्ट है वो आए हैं तो उन्हें भी मैं आपको बना के दिखा दूंगा। और एज़ वेल एज़ बात करें तो यहाँ पर अभी देखिए रैमको सिस्टम लिमिटेड एक कंपनी है जो कि 3 महीने से कंटिन्यूसली गिरते जा रही है और लगभग 35% गिर चुकी है और एक साल में 500% के रिटर्न उस कंपनी ने दिए और विजय केडिया सर ने अपनी हिस्सेदारी कंटिन्यूसली बढ़ाई है। तो इस में करना क्या है, ओके, इस वीडियो को जाके आप देख लीजिएगा। और अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हम सब हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। और एक और अनाउंसमेंट, अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं है। बाकी आपको पता ही है हमारे देश में कोविड बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, ओके, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, पहली बात तो सेफ रहिए, ओके, बी सेफ, घर पर रहिए और ज़्यादा बाहर मत जाइए अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है। दूसरी बात, जिन लोगों को ज़रूरत है, ओके, जिन लोगों की आप जिस तरीके से हेल्प कर सकते हैं डेफिनेटली करिए, बाय फूड, बाय मनी, ओके, अगर किसी भी तरीके की अगर आप जानते हो या नहीं जानते हो आप एटलीस्ट फूड की तो मदद उन्हें करिए। और अगर आप अगर आप वेल्दी है, ओके, आपके अगर आप रिच है तो आप यहाँ पर पीएम केयर में यहाँ पर जाके, ओके, पीएम केयर फंड यहाँ पर डोनेशन कर सकते हैं कोविड 19 के लिए। और आपको पता ही है वैक्सीनेशन चालू है, एक बार सबको वैक्सीनेशन लग गई 2-3 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर दो कंपनी के रिजल्ट हैं उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरिको लिमिटेड के रिजल्ट आए हैं, ओके, इन्होंने डिविडेंड पहले ही दे दिया था तो डिविडेंड इन्होंने अभी दिया नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये लास्ट क्वार्टर Q4 के रिजल्ट है, ये Q3 के रिजल्ट है और ये अभी के Q4 के रिजल्ट है जो कि हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब कंपनी करती क्या है, आपको पता ही है FMCG में कंपनी काम करती है। तो अगर हम देखते हैं टोटल रिवेन्यू सीधे देख लेते हैं, टोटल इनकम तो लगभग 2041 करोड़ रुपए की, करोड़ में डिजिट है, ओके, तो 2041 करोड़ का यहाँ पर इनकम है। अगर बात करें लास्ट क्वार्टर की तो 2146 था और इससे पहले 1528। तो अगर बात करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे तो देखिए क्वार्टरली बेसिस पे इनकम में थोड़ी बहुत फ़र्क आया है, बट अगर बात करें ईयरली बेसिस पे तो ईयरली बेसिस पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम करते हुए नज़र आई है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस की, अगर बात करते हैं एक्सपेंसेस की, टोटल एक्सपेंस आप देख सकते हैं लगभग इस बार 1739 करोड़ का यहाँ एक्सपेंस हुआ है। लास्ट टाइम अच्छे खासे रिवेन्यू थे तो अच्छे खासे यहाँ पर एक्सपेंस भी होता हुआ नज़र आया था और उससे पहले उसी हिसाब से एक्सपेंस होता हुआ नज़र आया। तो अगर यहाँ पर देखते हैं क्वार्टरली वाइज एज वेल एज ईयरली वाइज, ओके, ईयरली वाइज यहाँ पर एक्सपेंस में यहाँ पर बढ़ोतरी है, बट क्वार्टरली वाइज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कम है, बट बराबर इक्वली है, ये आप मान के चलिए। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, सीधे डायरेक्ट हम आते हैं यहाँ पर, तो NPAT की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अभी का जो प्रॉफिट है वो 227 करोड़ रुपये का प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, ओके, एक्सपेंस सब कुछ काटने के बाद जो उनके हाथ में बचा है। लास्ट क्वार्टर की बात करें 312 करोड़ का प्रॉफिट था और बात करें ईयरली बेसिस पे तो Q4 की जो लास्ट ईयर का Q4 था लगभग 199 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ईयरली बेसिस तो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर जंप हुआ, बट क्वार्टरली बेसिस यहाँ पर मैरिको के रिजल्ट में थोड़ी बहुत गिरावट नजर आई है, ओके, इस बात को आपको देखना पड़ेगा, इस बात को जानना पड़ेगा, ओके, बट कंपनी का ईयरली वाइज अगर हम देखते हैं तो अच्छे खासे मतलब 28 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आया, बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर गिरावट है। बट हिंदुस्तान हमने देखा था, हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL की हम बात कर रहे थे, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हमें दिखाया था जो कि ईयरली क्वार्टरली हर बेस पे यहाँ पर अच्छी खासी उन्होंने इनकम जनरेट करी थी, बट स्टिल वो शेयर गिरता हुआ हमें नजर आया था आज के दिन में, लगभग 2% यहाँ पर शेयर गिर गया था। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर और भी कुछ चीज़ों की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EPS, तो EPS लगभग 1.7 रुपीज़ का EPS है। अगर बात करें लास्ट क्वार्टर की तो 2.38 था और अगर बात करें लास्ट ईयर के क्वार्टर की Q4 की 1.51 है। तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर जंप है बट क्वार्टरली बेसिस पे उसी हिसाब से यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। बट लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, अगर बात की जाए काफ़ी अच्छी कंपनी है। और इसके अलावा हम शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ देखते हैं तो देखिए 59.6% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, FIIs के पास
पास 24% की हिस्सेदारी है, याद रखना 24% की हिस्सेदारी रखते हैं, मतलब उन्हें पता है कि किस तरीके से ये कंपनी चलती है। यहाँ पर इंडिविजुअल्स अगर बात करें 4.5 पर, अदर्स की बात करें तो 1.9%, बैंक FIs की बात करें, मतलब इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर की बात करें तो 8% की हिस्सेदारी, म्यूचुअल फंड की 2% की हिस्सेदारी यहाँ पर है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, और भी अगर बहुत सारी चीज़ें देखना चाहते हैं सेगमेंट वाइज किस तरीके से हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्या क्या ग्रोथ हुआ है, किस तरीके से ग्रोथ हुआ है मटेरियल में, या कौन सा प्रोडक्ट उनका बहुत ज़्यादा बिका है, ओके, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर जाइएगा, अलग अलग यहाँ पर लेटर है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। सफोला, जैसे कि आपको पता है सफोला का ब्रांड, तो सफोला के ब्रांड में यहाँ पर Q4 में देखें तो 43% का यहाँ पर ग्रोथ हुआ है, ओके, वैल्यू ग्रोथ हुआ है, वॉल्यूम ग्रोथ 73% का है। अगर बात करें यहाँ पर हेयर ऑयल की, तो हेयर ऑयल में लगभग 22% का ग्रोथ है। पैराशूट ऑयल की बात करें 38% का ग्रोथ है। तो आप इस चीज़ को देखिए, बहुत इनके ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा बिकते हैं, तो इनकी इस तरफ ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ों की बात करें तो दूसरा एक रिजल्ट और आया है अतुल लिमिटेड, आपको पता है केमिकल कंपनी है। इसके अलावा अगर बात करें तो 20 रुपये का आई थिंक इन्होंने डिविडेंड दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी दे नहीं रखा, बट हाँ 20 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड देती हुई ये कंपनी हमें नज़र आई थी। इसके रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये लास्ट सेम वही, ये Q3, ये लास्ट Q4, ये अभी Q4 के रिजल्ट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेन। तो अगर बात करें टोटल इनकम की, तो लगभग 1093 करोड़, ये अगर बात कर लेते हैं, हाँ करोड़ में ही ये रिजल्ट है, तो यहाँ आप देख लीजिए टोटल इनकम, तो 1093 करोड़ का यहाँ पर टोटल इनकम है। लास्ट Q3 की बात करें 913, और लास्ट Q4 की बात करें तो 954 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर इनकम है। तो मतलब क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर पेश करे कंपनी ने, अच्छी खासी इनकम यहाँ पर जनरेट करी है, जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। अगर बात करें एक्सपेंस की, तो कंपनी के एक्सपेंस इस बार ज़्यादा होते हुए नजर आए हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 867 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर एक्सपेंस है। लास्ट Q3 में यहाँ पर 689 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर एक्सपेंस थे, और उससे पहले Q4 में 770 करोड़। मतलब यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पे यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर इन्होंने एक्सपेंस किया है। अगर टैक्स यहाँ पर देख लेते प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर टोटल, तो यहाँ पर देख लीजिए 169 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट है, जो कि ईयरली बेसिस पे यहाँ पर कम नज़र आ रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे कम नज़र आ रहा है, बट ईयरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कंपनी ने किया है, जो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं साफ। और ये इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह है एक्सपेंस मेन। अगर बात करें तो एक्सपेंस की वजह से ही ये सारा का सारा खेल होता हुआ नज़र आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल टैक्स एक्सपेंस, यहाँ पर टैक्स भी यहाँ पर ज़्यादा कंपनी ने पे किया है, एज वेल एज एक्सपेंस भी यहाँ पर ज़्यादा होता हुआ नज़र आया है, इसलिए यहाँ पर गिरावट होती हुई नज़र आई है, और इसी वजह से आज स्टॉक भी यहाँ पर गिरता हुआ हमें नज़र आया। EPS की बात कर लेते हैं, तो अभी का EPS 57 रुपये का है, लास्ट Q3 में 59 का था, उससे पहले 47 का यहाँ पर EPS था। तो कंपनी लॉन्ग टर्म के व्यू से अच्छी है, बट कंपनी को किसी भी कंपनी को खरीदने का एक टाइम होता है, एक पर्टिकुलर इंट्रेंसिक वैल्यू जिसे कहते हैं, या फिर कहते हैं कि एक वैल्यू होती है उस पर खरीदना चाहिए, ना कि कभी भी कि शेयर भाग रहा है तो हम उसमें घुस जाए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी, यहाँ पर अगर 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी लेवल पर शेयर चल रहा था, और उसी लेवल पर आके आज के रेट में बंद होता हुआ नजर आया, मतलब अच्छी खासी लगभग 3-4% के यहाँ पर गिरावट आप देख सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के व्यू से ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के व्यू से आप देख सकते हैं 22 रुपये का शेयर आज 8,000 के शेयर पर यहाँ पर चल रहा है। बाकी अगर इसके कुछ टेक्निकल्स की बात कर ले, तो कंपनी तो काफ़ी अच्छी है ही, बट और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भाग चुकी है ऑलरेडी, तो बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिले एट द टाइम आप बाय ऑन डिप्स करिएगा। ओके, किसी भी लेवल पर किसी भी कंपनी को खरीदना कोई अच्छी बात नहीं होती, एक हर एक कंपनी ऊपर जाती है तो उसे नीचे भी आना होता है, यहाँ देख सकते हैं। तो 62 का इसका RSI चल रहा है, एज वेल एज बात करें मैरिको, तो मैरिको में मैंने आज अपने शेयर को सेल कर दिया था, बट हाँ मेरे को पता है कि वो थोड़ा नीचे आ सकता है, तो यहाँ पर अगर और नीचे आएगा तो मैं डेफिनेटली उसे खरीदता हुआ नजर आऊंगा दोबारा, क्योंकि मैरिको एक ऐसी कंपनी है जिसने लगभग 25% के CAGR से पिछले 10 साल में पैसे जनरेट करे हैं, तो ऐसी कंपनी में हमेशा बने रहना चाहिए, बट स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से यहाँ पर मैंने बेच दिया, बाकी नीचे आएगा तो डेफिनेटली मैं आई विल बाई इट अगेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 51 का RSI चल रहा है, और कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, इसी कंसोलिडेशन फेज पर यहाँ पर पिछले 3 महीने से कंपनी 4 महीने से चल रही है। तो इसी से रिलेटेड वीडियो थी, बाकी बैंक सेलिंग से रिलेटेड कोई
रिकमेंडेशन ही है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली पूछ लीजिए कुछ भी बैंक सेलिंग से रिलेटेड, और खुद की स्टडी करिए। बाकी वीडियो अच्छी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।